संस्था पे हैं, आप लोग सब सीनियर लोग हैं, कार्यक्रम हमारे भिलाई में हो रहा है, हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। इसको हम किस तरीके से सुचारू रूप से रखें, अलग अलग व्यवस्थाएँ हैं, खाने का अलग है, इसमें खिचड़ी व्यवस्था रहेगी, अलग अलग 7 दिन का रहेगा, पानी की व्यवस्था अलग रहेगी, फिर उसके बाद VIP व्यवस्था अलग रहेगी, मंच की व्यवस्था अलग रहेगी, तो सभी व्यवस्थाएं रहेंगी। महिलाओं के कुछ लोग उनके जो अनुयायी हैं वो 10-15 हज़ार लोग वो परमानेंट यहीं रहेंगे रात को भी, उनकी व्यवस्था अलग रहेगी। कुछ लोग जो यहाँ स्थल पर नहीं पहुँच पाएंगे रोड पर रहेंगे, तो रोड पर उनके लिए भी LED लगाया जा रहा है। और आपका जो चोंगा है वो पूरे खुड़कों से लेकर पावर हाउस के ब्रिज तक लगाया जा रहा है। सेक्टर 7 में, सेक्टर 2 भिलाई विद्यालय में, सेक्टर 10 में, सभी आसपास के क्षेत्रों में पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। तो ये अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। अभी बैठक में, मीटिंग में आए हुए थे और ये प्रदीप मिश्रा जी का जो कार्यक्रम भिलाई में हो रहा है उसका आप लोग को थोड़ा सा व्यू दे रहा हूँ। ये पंडाल है, ये सेंटर वाला है और सामने जो स्टेज दिख रहा है उस वो और बड़ा बनेगा, सामने तरफ से 20 फीट और 15-20 फीट लंबा होगा बोल रहे हैं। और आप लोग देख रहे हैं ये पूरी तैयारी चल रही है अभी। ये पूरा मैदान है जयंती स्टेडियम का भिलाई में। ये 25 तारीख से प्रदीप मिश्रा जी का कार्यक्रम का आयोजन यहाँ से होना है, 25 से 1 तारीख तक प्रदीप मिश्रा जी का, और उसी का आज मीटिंग था, उसमें आए हुए थे। ये मैदान का आप लोग को व्यू दिखा रहा हूँ। और अभी तो ये कार्यक्रम आज शुरू हुआ है, मतलब ये पंडाल वंडाल अभी लग रहा है और ये स्टेडियम है जो आपको दिख रहा होगा सामने में, जयंती स्टेडियम। और ये बगल में जो मैदान है और इधर रॉयल क्रिस्टल गार्डन, भिलाई होटल, ये सब इधर है। और पार्किंग की व्यवस्था तो दूर दूर तक रहेगी, यहाँ तो खैर वो नहीं है। और ये आपको जो मेन पंडाल है, मेन डोम या जो भी स्ट्रक्चर, ये महाराष्ट्र की पार्टी कोई करती है और वही कर रही है। ये लगभग सेंटर वाला 200 मीटर लंबा बनेगा मेरे ख्याल से, और साइड साइड में 100-100 मीटर का। इधर एक पंडाल लगेगा साइड में और उधर एक पंडाल। लगभग 50,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था रहेगी। और बाकी जो पीछे आप पीछे का एरिया देख पा रहे हैं उसमें वो जो पंडाल लगेगा, पोल पंडाल लगेगा, मतलब ये एरिया पूरा मतलब भरा रहेगा, मतलब लाखों पब्लिक आता है उनके कार्यक्रम में, आते हैं कहना चाहिए। पाइप पंडाल, हाँ, चारों तरफ पाइप पंडाल की भी व्यवस्था रहेगी। और सारे तरफ बता रहे हैं कि LED स्क्रीन लगे रहेंगे। LED स्क्रीन मतलब जो दूर दूर है उनको डायरेक्ट तो देख नहीं पाएंगे, तो उनको LED स्क्रीन में ही देखना पड़ेगा। ये देखिए जो नीचे अभी, ये अभी मैदान में रखा हुआ है, और बाकी आपको और जानकारी देते रहेंगे। अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं है, तैयारियां चल रही है, बहुत बृहद कार्यक्रम है, इसलिए बहुत अच्छे से मतलब कार्यक्रम का आयोजन करने का है। उसी सिलसिले में आज मीटिंग थी, सारे लोग जो कार्यकर्ता हैं। ये मेन पंडाल, मेन डोम जो भी, ये सेंटर में, और ये स्टेज, बाकी तो ठीक है। ये अभी रात का व्यू है, रात के भी 8:45 हुए हैं, कल मॉर्निंग में आके और आपको अच्छा सा अपडेट करेंगे। ये जो देख रहे हैं वो मुख्य पंडाल आपको जो बताए, और ये साइड में ये भी बन रहा है पंडाल, ऐसी एक उस तरफ भी बनेगा राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड का है। और अभी सारे लोग तैयारी में लगे हैं, ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, सारे कार्यकर्ता भी हैं,
और जो पंडाल बनाने वाले हैं उन लोग भी लगे हुए हैं। दूर दूर तक देखिए, यहाँ जो भिलाई का बड़ा कार्यक्रम होता है, लगभग सारे कार्यक्रम यहीं होते हैं। ये देखिए वो ट्रक में जो सामान आया है पंडाल का। चलिए आपको और अपडेट देंगे, अब रोज का यहाँ का आके आपको पूरा जानकारी देते रहेंगे। आप लोग कमेंट्स करिएगा और कहाँ कहाँ की कैसी जानकारी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ का आप लोग को पहले से सारा कुछ जानकारी दे दूँ, कहाँ पार्किंग, कहाँ खाने पीने, कहाँ रुकने, सारी व्यवस्था धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। और अभी तो खैर ये बन रहा है, तो मैं सोचा कि आप लोग को ये सारा जानकारी भी दे दूँ, जो आने वाले हैं उनके लिए आसान होगा। चलिए दोस्तों।